अभी अभी थोड़े शब्दों में शब्द कीर्तन के माध्यम से, संत कबीर साहब की वाणी के माध्यम से जो कुछ मुझे कहना था उन्होंने कह दिया, पर फिर भी मैं क्यों कहूँगा, इसलिए कि कह देने पर भी बात समझ में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला, गीता के महात्म्य में, कि गीता क्या है, सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गाए हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, उपनिषद गाए हैं, दुहने वाले भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा है, गाय का दूध निकालने में बछड़ा बहुत जरूरी है, बछड़े के नाम से गाय दूध दे देती है। तो उपनिषदों की बातें प्रश्न के माध्यम से अर्जुन पूछता है, पूछ पूछ करके उपनिषदों का सत्य, उपनिषदों का दूध गीता के रूप में हमें मिल गया। संक्षेप में एक बात कहूंगा कि ना तो सृष्टि के परिवर्तन को रोकने में हम समर्थ हैं ना तुम समर्थ। इतने युग बीत गए, अभी चल रहा है, आगे चलेगा, इस सृष्टि के परिवर्तन के नियम को, बाल जवानी और बुरद उन तीन अवस्था जान, ये जो होती रही हैं, गुरुओं के समय भी होती रही, उन गुरुओं के पहले भी होती रही, गुरुओं के कहने से बाल जवानी वृद्ध अवस्थाएं नहीं हुई। यदि गुरु जी ये श्लोक न लिखते, बाल जवानी और वृद्ध पुन तीन अवस्था जान, यदि वो न लिखते तो तीन अवस्था न होती क्या? इसी तरह गुरुओं ने कह दिया, जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है ये नाश होगा। गुरु महाराज ने कहा, जो उपजो सो विनसी है, जो उपजा है वो विनष्ट होगा, परो आज की काल। तो ये गुरु महाराज ने जो देखा वो कह दिया, गुरु महाराज ने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, कोई चीज गलती निकल जाए तो मुझे क्षमा करना। जो उपजो सो विनसी है, परो आज की काल विनष्ट होगा। ते तो तुम्हें भी दिखता, मुझे भी दिखता। पर एक बात और है, हम चाहते हैं कि हमारा विनाश ना हो। हमारा नुकसान न हो, ये हमारी सबकी इच्छा है। तो क्या ये हमारी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी? ये जो हमारी सबकी इच्छा है, क्या ये अधूरी रहेगी और पूरी होगी तो कैसे होगी? प्रहलाद के पिता ने तप किया, ये मत समझना कि तप कोई योगी ही करते हैं, ज्ञानी ही करते हैं, सब करते हैं। तप किया
और जो इच्छा थी उसी की पूर्ति के लिए किया। फिर एक उदाहरण दे दूं जो जल्दी समझ आ जाए। सुखी होने के लिए कई लोग दान करते हैं कि इसका फल हमें मिलेगा। इसी तरह से और शुभ कर्म करते हैं कि हमको सुख मिलेगा। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, और नहीं बोलना तो नहीं बोलना, मन में ही उत्तर दे लेना। कोई जरूरी नहीं कि मैं अपने कानों से तुम्हारा उत्तर सुनूं, मैं समझ जाऊंगा। ये पुण्य करने वाले, दान करने वाले तो सुखी होने के लिए करते हैं, पर ये जो चोरी करते हैं दुखी होने के लिए करते हैं। क्या चाहते हैं? वो सुखी होने के लिए धनी बन जाऊंगा, रुपया हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। ये जो चरित्रहीन है, दुराचारी हैं, ये सुखी होने के लिए नहीं करते। हम सब लोगों की, प्राणी मात्र की, एक दो की नहीं, हिंदू मुसलमान की नहीं, किसी जाति मजहब की नहीं, प्राणी मात्र की इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं। और इसी सुखी होने के लिए जो कुछ करता है, मार्ग दो हो जाते हैं, कोई गलत काम करने लगता है, कोई अच्छे काम करता है, पर सुखी होने के लिए करता है। इसलिए यह उदाहरण देकर कहना था कि प्रहलाद का पिता अमर होने के लिए तप किया और वरदान मांगा कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। क्योंकि जब मरता है व्यक्ति तो ऐसे ही कुछ होगा, घर में या बाहर या रोड पर। आदमी से मरेगा, जानवर से मरेगा, रोग से मरेगा, भीतर मरेगा, बाहर मरेगा, दिन में मरेगा या रात में मरेगा। तो वरदान मांग लिया, इतना बड़ी भूमिका बनाई कि मैं ना मरूं। अब फिर भी आप सब जानते हो कि वो मरा, वो विस्तार नहीं करूंगा, मरा। अर्थात हम सुखी होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, और रास्ता कोई है नहीं। अभी अभी शब्द सुन रहे थे हम, परमात्मा को पाना चाहते हैं, और शब्द के माध्यम से सुना कि वो, हम समझते थे कि वो कोई और है, वो और नहीं है। यदि हम कह दें कि वो तुम ही हो तब भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बात तुम्हारे सिर पे अभी उतरेगी नहीं कि तुम ही वो हो। इसलिए जानते हो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को पा लेने वाले महात्मा दुर्लभ। जब तक कोई भगवान को प्राप्त, भगवान को ठीक ठीक समझ लेने वाला महात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी आवश्यक, संत रविदास जी की वाणी आवश्यक, हमारे गुरुओं की वाणी आवश्यक, उपनिषद आवश्यक। क्यों? यदि ये ग्रंथ ना होते तो किसी को भगवान न मिलता। जिसको मिला, किसी न किसी वाणी के माध्यम से मिला। वाणी बोलने वाले समय पर थे, उन्होंने सुनाया। इसलिए इस मार्ग में सबसे ज्यादा महत्व गुरु का है। यहां ये अर्थ नहीं है कि गुरु बना लो, बनाने वाली बात मैं नहीं कह रहा।
थोड़ा बहुत आप सनातन धर्मी हो, हिंदू हो कई, तो इतना तो जानते ही हो कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कहीं कोई पूरी गीता में जिक्र नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु मंत्र दिया, नहीं है कहीं जिक्र। किसी को मिल जाए तो श्लोक ले आना कि ये देखो मंत्र दिया। और एक लाइन हम भी रोज सुना करते हैं, गुरु की महिमा में ही है, तो उसमें ये लाइन सुनते हैं, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु के शब्द ही मंत्र हैं, जो गुरु समझाते हैं वही मंत्र है। कई बार हमारे पास भी लोग आ जाते हैं, किसी किसी का दिल रखने के लिए कभी कुछ सुना भी देते हैं, पर मैं इस गद्दी से बैठकर हाथ उठा के कहता हूं कि मुझे लगता है मंत्र के अपने लाभ हैं। एकाग्रता होगी, आपकी श्रद्धा किसी गुरु से बन जाएगी, पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि बिना गुरु के उपदेश से आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ, उपदेश से। और भगवान श्री कृष्ण ने यदि मंत्र से उद्धार हो जाना था तो मैं आपके साक्षी में बोल रहा हूं, पीठ पीछे नहीं बोलता, 18 अध्याय की क्या जरूरत। एक मंत्र दे देते अर्जुन का बेड़ा पार, तो भगवान कृष्ण जैसे गुरु वो मंत्र देकर अर्जुन को छुट्टी नहीं करते, उपदेश देकर, गीता सुना सुना कर, एक एक प्रश्न का उत्तर देकर, जब अर्जुन ने कहा मेरे संशय दूर हो गए, अब मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया, जिसको अभी बाबा जी कह रहे थे, जब अर्जुन ने यह मान लिया कि स्थितोष्मि गत संदेहा, अब मेरे संशय नहीं रहे, मुझ में परमात्मा में सत्य में मोक्ष में कहीं कुछ फर्क है, वो सब मेरा मिट गया है, अब जो आप कहो सो करूं। अब दूसरी बात बता दूं, कई लोग मंत्र लेके काम छोड़ देते हैं। जरा गीता का भाव समझिए, अर्जुन गीता सुनने के बाद संशय भ्रम निबट गए, अर्जुन का कोई काम बाकी नहीं रह गया, अर्जुन की कामना गई, अर्जुन के भ्रम गए, अर्जुन की को मुक्ति मिली, अब कोई संशय नहीं है। अब अर्जुन कहता है आप जो कहो सो करो, ऐसा आदमी दुनिया में देखो, ऐसे आदमी को भगवान तैयार करते हैं जो भगवान के लिए काम करे, अपना काम मुक गया हो। आप सब अभी अपने काम में लगे हो, धनी अपने बन, तो जब धनी बनने के लिए काम कर रहे हो कि किसी के लिए, बड़े बनने के लिए राजनीति कर रहे हो कि देश के लिए, ये हमारी खोपड़ी अपने होने में लगी पड़ी है। अर्जुन कहता है मुझे कोई कामना नहीं रही, मेरा कोई चुनाव नहीं रह गया, अब आप कहो सो मैं करूं। भगवान राम को दशरथ वनवास देते हैं, कारण कुछ भी वो इतना विस्तार से नहीं बताना। राम चले गए, कह देते नहीं जाता, क्या अभिप्राय है? जिसके जीवन में कोई अधूरापन नहीं रहा उसे गद्दी क्या और वनवास क्या, टिकट मिले तो क्या और ना मिले तो क्या। आप जानते हो
रोज टीवी में देख रहे होंगे, टिकट मिलने न मिलने का कितने झगड़े, कहाँ चले जाएंगे टिकट मिलने पर, सीधा परम धाम, मरे जा रहे। राम का वनवास हुआ, चले गए, 14 वर्ष बाद लौटे, टाइम की शर्त थी, पूरा हुआ लौटे। रास्ते में षड्यंत्र करके भरत मरवा सकते थे, लौटने ही न पाते। कहां भरत खड़े हैं, कहां राम खड़े हैं, क्या जीवन है। कई लोगों को रामायण अच्छी नहीं लगती, कई को धर्म ग्रंथ अफीम लगते हैं। यदि धर्म के बातें अफीम हैं तो इस देश का होगा क्या। जो हमको स्वस्थ बनाते हैं ग्रंथ, जो हमें पूर्ण बनाते हैं ग्रंथ, जो हमें संतुष्ट कर देते हैं ग्रंथ, और संतुष्ट आदमी खाली होकर, गीता के श्लोक उठाओ, एक दो नहीं है, संतुष्टा सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है, उसे संतोष के लिए कुछ नहीं करना। भगवान कृष्ण स्वयं अपना भी उदाहरण देते हैं कि मुझे इस तीनों लोकों में क्या पाना है, फिर भी मैं काम करता हूं। ऐसे आदमी, ऐसे मनुष्य तैयार करना चाहेगी गीता, रामायण, उपनिषद, गुरुवाणी, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती जिसको इस संसार में कुछ पाना बाकी ना हो, सिर्फ देना बाकी रह गया हो, चाहे वो सत्ता में बैठ कर दे, चाहे दुकान में बैठ कर दे, मिलावट नहीं, सच्चा सौदा। एक नाम ही सुना होगा, सच्चा सौदा। हम तो कहते हैं कि जो भी आध्यात्मिक हो जाएगा ना, जो पूर्ण हो गया, वो दुकान में जो बेचेगा वो सच्चा ही सौदा है। झूठा सौदा तो वो है कि शुद्ध घी में वेजिटेबल मिलाकर, किसी तेल में कोई तेल मिलाकर। एक संत ने ऐसे ही पूछ लिया सभा में कि घी बेचना पाप है कि तेल बेचना पाप है, ऐसे पूछ लिया, तो किसी को लगा तेल बेचना, तो उन्होंने, संत ने खुद ही बताया, ना घी बेचना पाप है, ना तेल बेचना पाप है, मिलाकर बेचना पाप है। ठीक हो, मिलावट की क्या जरूरत, जो चीज है साफ दीजिए, सच्चा सौदा हो गया। वैसे तो अध्यात्म जब प्राप्त हो जाता है जीवन में, भगवान कृष्ण की तरह जो पूर्ण हो जाते हैं, भाई भगवान ने गीता क्यों सुनाई, पहले भगवान से गीता निकली, फिर गीता से भगवान निकलेंगे, भगवान ने गीता बनाई, गीता भगवान बनाएगी, शायद नहीं ध्यान जाए। और गीता पढ़ोगे तो भगवान बन जाओगे, भगवान बनने का मतलब सींग निकल आएंगे, भगवान का मतलब पूंछ हो जाएगी, भगवान के थी ना सींग, पूंछ नहीं, आंखें कितनी थी, कान कितने थे, पैर कैसे थे, चलते कैसे थे, सब कुछ तो ऐसे ही था। भगवान का मतलब जिसको कुछ पाना बाकी नहीं रहा, शरीर का निर्वाह कर रहे हैं, बाकी समाज का काम कर रहे हैं, भगवान भी हमारे लिए अवतार लेते हैं। संतों के लिए भी यही कहा है, जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। जिसको देने के लिए आया है वो साधु है, है बेटे, विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, तमाम काम करते हैं, क्या है बैठे बैठे रोटी खाएं, क्या है। इतना इनको मिल गया होगा कि यदि इन्हें अपने जीवन निर्वाह की जरूरत पड़े तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं,
विदेश भी जाते हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, कथा भी करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं क्यों करता हूँ, मुझे क्या पाना है? भगवान ने अपना उदाहरण दिया। और दूसरा, काम छोड़ने वालों के लिए, अर्जुन के लिए एक उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने, जनक का। मैं अपने यहां से नहीं बोलता, जनक का उदाहरण दिया। कहते जनक देखो राजा हैं, काम करते हैं, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा? आप सबके दिमाग में ये बैठा है, हम गृहस्थी हैं, साधु बनेंगे तब तरेंगे। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? कहते ना तो कृष्ण भगवान सन्यासी है साधु, और ना अर्जुन, ना सुनाने वाले साधु ना सुनने वाले। कई लोग कहते हैं तो गीता जो है गृहस्थी के लिए है ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सुनाने वाला भी और सुनने वाला गृहस्थी। और फिर जिनके जीवन में बंधन का ख्याल है, कर्म से भाग रहे हैं, कर्म को बंधन समझ रहे हैं, उनको ही तो गीता सुनानी है। और कर्म से, युद्ध से रथ को छोड़कर जमीन में खड़े हो जाने वाले अर्जुन को गीता सुनाकर पुनः तैयार कर दिया। मुझे लगता है गीता का प्रचार हो तो समाज और अच्छा बनेगा, अकर्मण्य नहीं रहेगा, विलासी नहीं बनेगा। हमने अपने आनंद के लिए, सुख पाने के लिए नशे के आदि बन गए, गलत कर्मों के आदि बन गए। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ बांसुरी बजाओ, चैन की आनंद में रहो, आनंद में रहो, काम करते रहो, और फिर न मरना, सब कुछ बराबर। गीता उठाकर देखेंगे तो लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, जिसके लिए सब बराबर है। गुरुओं ने भी कहीं लोहा और मिट्टी का, सोना और मिट्टी का ढेला बराबर, इसका क्या मतलब है? हमें भी सोना और मिट्टी का भेद नहीं मालूम होता होगा। मैं अपनी बताता, मुझे तो मालूम है, लेकिन बराबर क्यों है? बराबर इसलिए है कि ये बताओ, मरते समय सोना कितना काम का है, क्या करोगे? संसार में जीवन निर्वाह के अलावा ये बनना मिटना, यद यद जन्यम तत् तद अनित्यम, जो जो जन्मता है, पैदा होता है, वो नहीं रहता, ये सब नहीं रहेगा। अब इस दुख से छूटने के लिए गीता सुनो, इस दुख से मुक्त होने के लिए गुरबाणी पढ़ो, इससे मुक्त होने के लिए सत्संग करो, ये सब हो और तुम निश्चिंत रहो, खाते पीते हंसते खेलते मुक्त हो जाओ। ये नहीं कि जब घर बार छोड़ो, बच्चों को अनाथ कर जाओ, पत्नी को बिचारी को जीते जी विधवा बना जाओ, और क्या, तुम बाबा बन गए तो विधवा ही है वो। पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, घर वालों को तबाह करके ही मोक्ष मिलता है, जनक को नहीं मिलेगा। इसलिए साधारण सी बातें इनको समझो। और ये सब टाइम जो तमाम, हम तो उल्टा हो गए हैं। हम तो कहते हैं जो बहुत समय आपका मोक्ष में लगा पड़ा है ना, मैं नाम नहीं लेता किसी संगठन का, कई बार सारा जीवन राष्ट्र के लिए लगाने वाले, कभी कभी उनके मन में आता है कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। तुम राष्ट्र का काम और निश्चिंत होकर कर सको, मुक्त होके कर सको, निर्भय होके कर सको, तरने तराने की बात दिमाग से निकल चुकी हो, जनक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह सब काम करो। आखिर इसी तरह हाथ पैर वाले तो राम भगवान थे। मैं तुलना के लिए नहीं कहता, मैं राजनीति के नाते नहीं बोलता जो एकदम पीछे पड़ जाओ, हर हर मोदी, जय जय मोदी, क्या वो ये हर हर कहने लग गए।
एक बार हमारे बाजवा बाजवा जी थे, दिल्ली के सरदार थे, उन्हें दसम गुरु जी की वाणी, दसम गुरु जी की वाणी का वो एक हवाला दे दिया, उसमें हमारे रितंबरा के दस्तखत भी ले लिए। उसमें वो था कि क्या कितने कीड़े की तरह और कृष्ण और ये ऐसे कोई शब्द है दशम गुरु जी का, और उन्होंने पुस्तक छपाई, उसमें हमारे भी दस्तखत करा लिए। और आ गया इलेक्शन तब तो वही दिखाते फिरे। तो कई बार राजनीति में उसका दुरुपयोग होता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण उठते हैं, जगते हैं, सोते हैं, भगवान राम जगते हैं, खाते हैं, जंगल जाते हैं, संध्या करते हैं, और ये सब करते हुए साक्षात नारायण है, भगवान है। तो इसलिए हम सब उस सत्य को पाने के लिए तैयार हो, और इसी जीवन में भई प्रापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। तुम गोविंद को पा जाओ, और जब गोविंद को बार बार पाना पड़ेगा क्या? गोविंद कोई पति नहीं है, गोविंद कोई पत्नी नहीं है, गोविंद कोई जगह नहीं है कि एक बार हम जलंधर आ गए चले जाएंगे फिर आएंगे जलंधर। परमात्मा जगह नहीं है, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई अवस्था नहीं है। एक बार ठीक ठीक समझ लिया तो पाने का काम खत्म, काम निबेड़ गया, और जब काम पूरा हो गया तो हो गए खाली, खाली हो गए। अब आप काम करो, को देश का काम करो, संगठन का काम करो, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, काम करो, और क्या है, काम करो, जब तक जीना तब तक सीना। इसलिए और चलो अब एक सूचना भी दे दूं, प्रसंग बस याद आ गई, चूंकि अब जल्दी है बंद करूंगा। तुम्हारा किसी का मन करे तो 26 अप्रैल से 2 मई, कई बार अभी कई ये साल बीत रहे हैं, 2-3 मैंने भारतीयों का कोई कैंप नहीं किया हरिद्वार में, बोलना कम कर दिया। तो अभी अभी एक कार्यक्रम रख लिया है 26 अप्रैल से 2 मई हरिद्वार आश्रम में, आप आना चाहें तो आए, सत्संग करेंगे, वहाँ कथा भी होगी, पर हम संशयों का निवारण करने के लिए कथा भी करेंगे, और क्या करना। और एक वाक्य में होगा, तुम्हारी तरह देखो ये बूढ़ा होगा, तुम्हारी तरह भूख लगती है, तुम्हारी तरह नींद आती है, ठीक है, सब कुछ 100% तुम्हारी तरह है। और यदि हम मुक्त हो सकते हैं या हम ज्ञानी हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते, ये बताओ। ये इसलिए कह रहे हैं, अच्छा फिर ज्ञान के बाद भी यदि बुढ़ापा आएगा, ज्ञान के बाद भी देहांत तो होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, ये सोचो कौन हुआ रे, कौन हुआ। हाँ, और दूसरा है ब्रह्मज्ञानी सज्जीव है नहीं मरता, तो क्या मतलब है नहीं मरने का, वो समझ में आ जाए, जीवन के भ्रम चले जाए। तो आपको निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं कि आप चाहो तो 5-7 दिन का, 26 से 2 मई तक का, 26 अप्रैल से 2 मई तक का लाभ उठाओ। हैं, और अभी अभी तो ये क्या 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 है, कौन कहते हैं 1 अप्रैल हो गई, इन्होंने 1 अप्रैल यही मनवा ली, हमें नहीं याद रहा, नहीं तो हम भी कुछ बना देते, कहते बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा देखो, संसारी लोग अप्रैल फूल में बेवकूफ बनाते हैं, संत महात्मा 1 अप्रैल को बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, भ्रम हटाते हैं। संत तो जहाँ रहेगा अपना ही काम करेगा। तो आप सबको बधाई है, आगे का कार्यक्रम जैसा होगा दलजीत सिंह बताएंगे, आनंद से सुनिए, और हम चाहते हैं तुम भी अपने मार्ग में चलकर जीवन के लक्ष्य को पूरा करो। ओम शांति शांति।